हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास का ये 16वां पार्ट है। इससे पहले 15 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर मैंने पर डे आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लिया है। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर से हर बार एग्जाम में आने वाले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप टॉपिक टू टॉपिक हर चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर स्टार्ट से लेकर अंतिम तक कंप्लीट कराइए, तो आपको पर डे चैप्टर वाइज तैयारी में कराने वाला। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करने से पहले एक इंट्रो। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आसानी से ये सब कुछ आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संयोजन कुंजी कहते हैं? Alt, Shift, Enter या पेज अप? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, Shift। Shift कुंजी को हम संयोजन कुंजी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप, एनालॉग कंप्यूटर का ही दूसरा रूप, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये डिजिटल और एनालॉग इन दोनों कंप्यूटर्स का मिश्रण होता है, दोनों का एक मिश्रित रूप है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार है? हैंडहेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर एंड उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है, जब फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो वहां पर एक्सप्लेन करके इन सभी चीजों को बताया था कि आपका हैंडहेल्ड भी एक स्कैनर है, फ्लैट बेड भी स्कैनर है और ड्रम भी आपका स्कैनर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, ये सभी आपके स्कैनर के ही प्रकार हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 EB, एक एक्सावाइट इक्वल टू 1024 PB, 1024 TB, 1024 GB या 1024 YB। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, जीबी का मतलब होगा गीगाबाइट और वाईबी का मतलब होता है यूटाबाइट। आपके एग्जाम में मेमोरी के यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे निबल का हो गया, एक बिट में कितनी बाइट्स होती हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर आपको यूनिट के बारे में बता देते हैं, एक्सप्लेन करके कि यूनिट की मेजरमेंट क्या क्या है। देखिए, एग्जाम में आपके बिट का फुल फॉर्म पूछाता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है बिट का फुल फॉर्म। 4 बिट्स मिलकर बनता है एक निबल। अब आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं या एक निबल कितने के बराबर होता है। तो एक निबल कितने के बराबर है? 4 बिट्स के बराबर होता है। कितने के? 4 बिट्स के। अगर ये पूछता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं एक बाइट में। अगर ये पूछता है कि 1 KB में, अब केबी का फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बाइट। 1024 MB मिलकर बनता है, 1024 KB मिलकर बनता है 1 MB। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि 1 मिलियन में कितने KB होते हैं, तो कितने होते हैं? 1 मिलियन में 1024 KB होते हैं, याद रखिएगा। मेगाबाइट को ही मिलियन भी बोला जाता है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर 1024 MB मिलकर बनेगा 1 GB,
है ना, पर डे आपको मिलता है 1 GB 2 GB डाटा, आप सभी जानते हो। और जीबी का फुल फॉर्म पूछता है तो गीगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट होता है, और ये 1 बिलियन के बराबर है। तो 224 MB आपका 1 बिलियन के बराबर होता है। ऐसे ही 224 GB मिलकर बनता है 1 TB। 1 TB में कितने GB होते हैं, तो 1 TB में होते हैं 224 GB। टीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो टेराबाइट्स है। इसी तरह 224 TB मिलकर 1 PB, पी मतलब होता है पेटाबाइट्स, है ना। तो 1 PB 224 TB, 1 EB अर्थात एक्साबाइट, तो 1 एक्साबाइट में होता है 224 PB। इसी तरह 1 ZB मतलब जेटाबाइट, 1 ZP में होता है 224 EB, है ना। 1 ZB इक्वल टू 224 EB। ऐसे ही 224 ZB मिलकर बनता है 1 YB। तो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसमें से पर डे आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। आपका एग्जाम जब भी है दिसंबर में या फिर जब भी नेक्स्ट मंथ है, तो ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 AB इक्वल टू, तो राइट आंसर क्या होगा, 224 PB, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया भी कि 1 AB इक्वल टू 224 PB होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा आपका, है ना। समझ में आए सब। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अस्थाई डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर या वीडियो कैमरा, कौन अस्थाई डिस्प्ले है। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रोजेक्टर। इसमें जो आपका प्रोजेक्टर है ये आपका अस्थाई डिस्प्ले है ना, अस्थाई। अब नेक्स्ट, बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ, 1940, 1966, 1982 या 2000 में। तो फ्रेंड्स बारकोड रीडर क्या होता है, आप सभी जानते हैं काली काली चौड़ी पट्टियां होती हैं और उनके बीच में जो दूरी होती है उन्हीं दूरियों में सूचनाओं को निहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उनके बीच की दूरियों से ही पता लगाया जाता है कौन सा प्रोडक्ट कैसा है और उसकी MRP क्या है। जो भी सूचनाएं स्टोर होती हैं वो सब कुछ हम बारकोड के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो इसका आविष्कार कब हुआ, राइट आंसर है 1940। अब नेक्स्ट, रोम में उपस्थित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, बायोस, यूनिट, राम अर्थात रैम है यहां पर ये, है ना, हिंदी में रैम, रैम एंड प्रोसेसर। तो रोम में जो प्रोग्राम उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोस, क्या बोलते हैं, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, ROM, क्या होता है जल्दी बताइए, होता है इसका रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसे हम रीड कर सकते हैं, इसमें हम लिख नहीं सकते हैं, वही आपकी रोम। जब मेमोरी पढ़ाया था तो एक्सप्लेन करके हर मेमोरी को समझाया था कि कौन सी मेमोरी कहां पर वर्क करती है और कैसे वर्क करती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, PL1 भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपकी, इसका विकास किस जनरेशन में हुआ, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो शायद द्वितीय पीढ़ी इसका राइट आंसर होगा, PL1 भाषा का विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन में मेन क्या है हार्डवेयर के रूप में, तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार भी आपके सेकेंड जनरेशन में हुआ था, याद रखिएगा किसका हुआ, तो ट्रांजिस्टर का हुआ। अगर पूछता है थर्ड जनरेशन के बारे में आपसे कि थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, तो फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन में आपका क्या प्रयोग हुआ था, IC चिप, है ना, IC चिप। ऐसे ही पूछता है फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में आपका क्या हुआ था, VLSI। अब VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके क्लियर हुआ। अब आगे, 1 MB डाटा को संग्रह करने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है, हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप, CD रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो 1 MB डाटा स्टोर करने के लिए हम CD रोम का उपयोग कर सकते हैं और यही सबसे परफेक्ट है, कौन सा आपका, CD रोम, है ना। अब CD रोम का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी,
अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर, रोम, रैम या फिर कैश? सबसे तेज कौन सी है, जल्दी बताइए। मैंने बहुत बार आपको बताया है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो राइट आंसर आपका रजिस्टर। एक बार मैंने क्लास में ही आपको कई बार बताया है, एक फिगर के द्वारा भी समझाया है कि रजिस्टर कैसे सबसे तेज होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, तो रजिस्टर सबसे छोटी होती है, और उसके बाद नंबर आता है कैश का। रजिस्टर के बाद कौन होता है तेज, कैश होती है, लेकिन सबसे तेज रजिस्टर। अब नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या रैम? तो फ्रेंड्स, सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट बोर्ड है उसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। कंट्रोल यूनिट मतलब आपका सीयू होता है, जो पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम करता है। यहां पर रैम है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण कौन सा है, फर्स्ट, 3.0, 2.0, 7 या 1.5? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, 3.0। अगर ये पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट कौन सा है आपका, विंडो 10। कौन सा होता है, विंडो 10 आपका सबसे लेटेस्ट में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, SRAM, DRAM, बोथ अर्थात ए और बी दोनों, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स, इसमें आपकी जो DRAM है इसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, और SRAM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, ये है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या है इसका, DRAM। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ, 1970, 1982, 1985 या 1960? स्टूडेंट्स, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो था यूनिक्स आपका, इसका विकास कब हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 1970। अब नेक्स्ट, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड पर चिप के लिए बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स या फिर लाइन्स? तो जो चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉकेट्स। क्या बोलते हैं, सॉकेट्स। अब यहां दिया है पोर्ट, पोर्ट का क्या यूज है, तो जो भी बाहरी आपका हार्डवेयर है, जैसे आपको कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इन सभी को कनेक्ट कराना है, तो आप इनको पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट कराते हो। क्वेश्चन भी आता है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, या कीबोर्ड को किससे जोड़ते हैं, मॉडेम को किससे जोड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? समझ में ऐसे क्या बोलते हैं, सॉकेट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट, BIOS का पूर्ण रूप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस? तो स्टूडेंट्स, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क का एक्सेस समय कितना होता है, 20 माइक्रोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड, 15 मिलीसेकेंड या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं? तो हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम जो होता है वो है आपका 15 मिलीसेकेंड। क्या होता है, 15 मिलीसेकेंड होता है हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम। अब नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, 1970, 1985, 1965 या 1995? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार ट्रिपल सिक्स में पूछा जाता है।
जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और हर बार ट्रिपल सिक्स में पूछ जाते हैं। कल की जो क्लास हुई थी संडे को, उसमें मैंने फटाफट 50 क्वेश्चंस आपसे किए थे, एग्जाम में आने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां से भी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां पर मिनी कंप्यूटर का विकास कब हुआ, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड 1965। मिनी कंप्यूटर का विकास जो है आपका वो 1965 में हुआ था। अब नेक्स्ट, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, बस, लाइन या फिर मीडिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर सीपीयू तथा पेरिफेरल जो भी डिवाइसेस हैं उनके मध्य कम्युनिकेशन जो लाइनें हैं कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड बस। क्या होता है, बस कहते हैं हम सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइंस को। अब स्टूडेंट्स यहां पर हार्डवेयर की बात हो रही है तो हार्डवेयर आप जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है, लाइन और मीडिया के बारे में भी आप जानते हो, काफी नॉर्मल चीजें हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम है, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी अब एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने पिछले संडे को, जो भी कल संडे हुआ है उससे पहले संडे को मैंने 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी जहां पर मैंने आपके साथ पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अब फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम है, ये बिल्कुल फॉल्स है ना, क्योंकि फर्मवेयर अलग है और रोम क्या है, आपकी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखते हैं कल की क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था सबसे पहले किन लोगों ने उसका आंसर दिया है, तो टॉप 5 कमेंट्स और कल के क्वेश्चंस क्या थे उन क्वेश्चंस का आंसर, साथ ही साथ आज भी आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो कमेंट बॉक्स आप जल्दी से ओपन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपका नाम मेरी वीडियो में जरूर आए। अब देखते हैं टॉप 5 कमेंट्स में एंजल लाइफ स्टाइल, आरिफ अली, वर्षा सिंह, विकास निर्मल एंड पूजा। सबसे पहले इन 5 लोगों ने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया था, इसी तरह आप भी जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा सबसे पहले आप आंसर दीजिएगा ताकि आपका नाम मेरी कमेंट्स की क्लास जो ये वीडियो है इसमें जरूर आए। क्वेश्चन था पहला, लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C++, ये ऑप्शन से आपके, तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सेकेंड Ctrl+C++P। दूसरा था इक्वल राउंड 2.15, 1 का मान कितना होगा, 2, 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं और कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि इक्वल राउंड 2.15, 1 का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कैल्क आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, यहां पर ये राइटर आपका ओपन हुआ है और यहीं से आप जाएंगे और यहां पर न्यू पे क्लिक करके यहीं से आप स्प्रेडशीट को भी ओपन कर सकते हो। अब यहां पर क्या है आपका इक्वल राउंड 2.15, 1 ब्रैकेट क्लोज दैट एंटर करेंगे तुरंत आपका राइट आंसर आएगा 2.2। देखिए क्या हो गया आपका आंसर 2.2। जब मैंने फार्मूला पढ़ाया था तो आप एक्सप्लेन करके समझाया था कि राउंड फार्मूला कैसे काम करता है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेंजर किससे संबंधित है, इंटरनल मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा,
और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में ही मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दी है, आप एनी टाइम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं या परिवार आपका है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई भी संकोच आप मत करिए और हमेशा ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।